और चलिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की बात करते हैं, जहां पर जिले में एकमात्र शक्कर कारखाना में मशीनों की पूजा करने के बाद गन्ने की नियमित रूप से पेराई शुरू नहीं की गई है, जिसकी वजह से गन्ना 500 टन के बजाय अब सिर्फ 40 टन ही पहुंच पाया है। साथ ही नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 40 से अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन उनके मजदूर संगठन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रबंधन के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। उन्होंने कारखाने का बाहर निकाला जा रहा, वहीं कारखाने से 500 मीटर की दूरी पर ही तंबू लगाकर मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने और कारखाने की मांग के अनुरूप गन्ना नहीं आने से एक दफा फिर शक्कर कारखाने में संकट के बादल छा गए हैं। तो वहीं MD राजेंद्र कुमार राठिया का दावा है कि कल से नियमित पेराई शुरू कर दी जाएगी। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों ने बताया है कि उन्हें काम करते 13 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, नियमितीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तीसरी में सहकारी शक्कर कारखाना बालोद, इसका कार्य क्षेत्र बालोद है, राजनांदगांव, धमतरी और दुर्गापाटन ब्लॉक भी शामिल है। इसके अलावा सर, शक्कर कारखाना का कार्य क्षेत्र 1,250 मीट्रिक टन पर डे कैपेसिटी है इसका क्रशिंग का, और इसके लिए पूरी कैपेसिटी 1,00,000 मीट्रिक टन गन्ना चाहिए सर, और इसके लिए तो कारखाने के कार्य क्षेत्र में लगभग 3,400 हेक्टेयर गन्ना चाहिए। तो हमारे कारखाना के कार्य क्षेत्र में क्षमता के अनुरूप गन्ना नहीं है हमारे इस वर्ष के लिए। हमारे पास सही रूप से मेंटेनेंस नहीं होता, जो जो कारखाने में जो काम चलता है, चलने लायक है, उसको भी जान बूझ करके वो नया लेकर के ठेकेदारी प्रथा में इस कारखाने को डुबाने का काम किया जा रहा है, जो कि मेंटेनेंस हमारे कर्मचारी भी प्रशिक्षित हैं और जानकार हैं, उनसे भी कराया जा सकता है। जो काम हम नहीं जानते हैं उसके लिए ठेकेदार को बुलाना चाहिए। तो कहने का मतलब कि मेंटेनेंस में भी बहुत भारी अनियमितता है, और जिस मशीन को कबाड़ में डाल देते हैं उसके नाम पर दोबारा नया मंगा करके फिर उसको लगाया जाता है।